अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं रगड़ा चाट। बिल्कुल स्ट्रीट फूड स्टाइल में बना रहे हैं, खाने में बहुत ही बेहतरीन, देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। थोड़ी सी बटाने से ये ढेर सारी चाट हमारी घर में ही तैयार हो जाती है, तो मैंने सोचा आज संडे के दिन क्यों ना रगड़ा चाट बना के इंजॉय किया जाए। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, खूब इंजॉय कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इस रगड़ा चाट को किस तरह बनाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रगड़ा चाट बनाने के लिए यहाँ पे देखिए, मैंने एक कप सफेद बटाने ली और इसे रात भर मैंने भिगो दिया था, तो ये बिल्कुल अच्छे से भीग चुके हैं, बिल्कुल अच्छे से देखिए फूल चुके हैं बटाने। तो इसे मैंने प्रेशर कुकर में डाल दी। तो ये देखिए, मैंने चार आलू ली हूँ और इसका छिलका मैंने छील दिया, तो ये आलू भी इसमें डाल देंगे। आलुओं के साथ इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। बटानों का दुगना हम इसमें पानी डालेंगे, तो मैंने एक कप बटाने ली हूँ तो इसलिए मैं इसमें मिला रही हूँ 2 कप पानी। तो ये प्रेशर कुकर लगाकर हम बटानों को अच्छे से गला लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें हाई फ्लेम पर 2 बेसन ले लूंगी और तकरीबन इसे हम 10 से 12 मिनट स्लो फ्लेम पर पका लेंगे ताकि बटाने अच्छे से हमारे गल। तो ये देखिए, प्रेशर कुकर हमारा ठंडा हो चुका है। तो ये देखिए देखिए, आलू और बटाने बिल्कुल अच्छे से हमारे कुक हो चुके हैं। तो ये देखिए, इसे हम चेक कर लेते हैं बटाने को। तो ये देखिए, बटाना बिल्कुल अच्छे से हमारा गल चुका है। आलू को निकाल कर हम फोक की मदद से हल्का सा मैश कर देंगे, मोटा मोटा करेंगे, ज्यादा बारीक बहुत ज्यादा मैश नहीं करेंगे, बस इसके मोटे मोटे से चंक्स रहने देंगे, ये रगड़े में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, आलुओं को मैंने फोक की मदद से हल्का सा मैश कर दिया। आलू को इस तरह जब मैश कर देते हैं तो रगड़ा जो हमारा बहुत ही झटपट से गाढ़ा सा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हम बना रहे हैं रगड़ा चाट। तो रगड़ा हमारे अच्छे से बॉईल हो चुका है, तो अब इसे बनाने के लिए 1 टेबल स्पून ऑयल ले, और ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून अदरक और हरी मिर्चे, दलदली पिसी हुई है। अदरक का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है, आप जरूर डालें। और हरी मिर्चों से ये रगड़ा जो हमारा बड़ा चटपटा सा बनता है। तो बस इसे कुछ सेकंड के लिए हम सॉटे कर लेंगे। इसके अंदर हमारे मैश किए हुए आलू मिलाएंगे। तो जो आलूओं को मैंने मिला दिया, इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें मिला देंगे रगड़ा। ये पूरे के पूरा मैंने रगड़ा इसमें मिला दिया। अब इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे। 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज्यादा मैंने नमक डाली हूँ, क्योंकि हमने वटानों को बॉईल के दौरान भी हमने इसमें नमक डाले थे। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, अगर आपके पास कुटी हुई मिर्चे ना हो तो आप लाल मिर्च पाउडर ले सकते हो। 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, क्योंकि रगड़े में इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। 1/2 टीस्पून ही लेंगे भुना हुआ कुटा हुआ जीरा, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप जो है ड्राई मैंगो पाउडर यानी के आमचूर पाउडर ले सकते हो। तमाम चीजों को बिल्कुल अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। मुझे इसमें थोड़ा सा पानी कम लग रहा है, मैंने थोड़ा सा आधा कप पानी मिला दिया। ये देखिए, रगड़े में बॉईल आना शुरू हो चुका है, तो इसे हम ढक देंगे और तकरीबन मीडियम टू स्लो फ्लेम पर इसे हम तकरीबन 8 से 10 मिनट पका लेंगे, ताकि ये बिल्कुल गाढ़ा सा मजे का तैयार। ये देखिए, रगड़े को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए कैसा मजे का हमारा रगड़ा तैयार हुआ है। ये देखिए, बहुत ही गाढ़ा सा हो गया ये, और ठंडा होने के बाद ये और ज्यादा गाढ़ा होगा। बहुत ही मजे का हमारा ये रगड़ा तैयार हुआ है, बिल्कुल स्ट्रीट फूड स्टाइल में हम इसे तैयार कर रहे हैं। ये देखिए, तो अब इसमें मिलाएंगे हम थोड़ी सी हरी मिर्चें, तकरीबन 2 हरी मिर्चें हमने मिला दी है इसके साथ। थोड़ी प्याज हमने गार्निशिंग के लिए रख दी है और 1 प्याज मैंने मिला दी है उसके अंदर। और रगड़े का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है इमली का पानी। जी हाँ, नींबू के साइज की इमली को मैंने भिगो दिया था और इसको बाद में हाथों से अच्छे से मथ के इसका मैंने रस निकाल ली हूँ, ये मैंने डाल दी। और उसके साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और बाकी का हरा धनिया हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट इसे कुक करेंगे और फिर इसे हम डिश आउट करेंगे। तो देखिए कितना बेहतरीन सा हमारा ये जो है रगड़ा तैयार हुआ है। हमें कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ये देखते हैं रगड़ा चाट को किस तरह सर्व किया जाता है। तो बिल्कुल स्ट्रीट फूड स्टाइल में हम इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए, ये मैं ले रही हूँ रगड़ा, इस पर गर्मा गर्म हम रगड़ा डालेंगे। स्ट्रीट पे इसे इस तरह के बाउल में, छोटे से बाउल में सर्व किया जाता है, लेकिन यहाँ पे देखने में आसानी होगी इसलिए मैंने इसे इस तरह बाउल में डाल दिया। अब इसके ऊपर चटपटे मसाले डालेंगे। तो ये मैं डाल रही हूँ भुना हुआ कुटा हुआ जीरा, डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक, इससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब चटनियों की बारी है भाई। तो चटनियों में ये मेरी धनिया पुदीने की हरी चटनी है, तो ये बस मैंने इसे डाल दी थोड़ी सी। ये रही इमली की चटनी, मीठी चटनी जो होती है इमली और गुड़ की मीठी चटनी, ये मैंने डाल दी। और उसके साथ ही इसमें डालेंगे हम इमली का पानी।
इससे बहुत ही मजे का टेस्ट आता है, इसे जरूर डालिएगा। बच्ची ऐसे खा के खूब इंजॉय करती हैं। तो ये मैंने इसमें इमली का पानी डाल दिया और ये प्याज, आप चाहे तो कटे हुए टमाटर भी डाल सकते हैं। हरे मिर्चे, चटपटा हो गया इसका टेस्ट। हरा धनिया, आखिर में मैं इस पर डाल रही हूँ सेव। सेव बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, नहीं तो इसके बगैर भी आप इसे बना सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, किसी झटपट से हमारी चाट घर में तैयार हो गई है। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स कैसी मजे की नजर आ रही है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब है। देखिए ये रही रगड़ा चाट, स्ट्रीट फूड की अहम डिश है ये, बहुत ही मजे की लगती है। भाई फ्रेंड्स मैं तो इसे खूब इंजॉय कर रही हूँ, आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। और अगर रेसिपी पसंद आए तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें, लाइक करें। और अगर हमारे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखें, साथ में हमें भी अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज।